चलो, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी बताओ। से यस सो नो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हिमांशु आ गया है, अनवर आ गए हैं, सनी, समीर, अनीस, आनंद, हरीश, एवरीवन। चलो सबका गुड इवनिंग, सबको वेलकम 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 वेलकम। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? चलो ओके, कुणाल भी आ गया है, कैलाश भी आ गया। चलो चलो चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन दिस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक, और सून ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक होने वाला है। एंड चलिए आज हम शुरू करते हैं, राइट? चलो, और उसका नंबर वन चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी, इसमें आपका स्वागत है। सबको गुड इवनिंग, राइट? जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मैंने पहले भी बता चुका है। माय नेम इज़ डॉक्टर सत्येंद्र बैस, एंड आई हैव मेंटर्ड सेवरल थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट। लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। आकाश, एलन, ये इररिलेवेंट है, आप लोग प्राइमरी हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? चलो बच्चों, अनअकैडमी, जितने लोग बच्चे लोग नहीं जानते हो, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके लिए आपको कैसे करना है बच्चों, पता है ना आपको? आपको प्ले स्टोर में जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करते ही आप बहुत सारे आपको फायदे मिल सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड। जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है बच्चों, डेली लाइव क्लासेस, आप लोग डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यू कैन हैव अ चैट विथ योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, पोल के आंसर कर सकते हैं। हम वहां पे पोल्स भी करते हैं बहुत सारे, राइट? लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। इससे आपको फायदा मिलता है कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हैं कि जितने भी जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनके बीच में आपकी रैंकिंग क्या चल रही है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप कर सकते हैं, राइट? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, 2 ईयर, देन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। कि अगर आप जानते हैं ना कि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, इंडिया के जो इस समय जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हमारे इस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस पे हैं, तो जो टॉप एजुकेटर्स हमारे अनअकैडमी या अनअकैडमी प्लस पे हैं, आप उनमें से सभी से पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप उनमें से सभी में पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही टीचर से पढ़ें, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं आप मुझसे पढ़ना चाहें, आप जिनसे भी पढ़ना चाहें, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, राइट? और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है बच्चों, देखते जाओ। पहला स्टेप है, आपको इंस्टॉल करना है ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। सेकंड, आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है। आपका गोल होना चाहिए नीट यूजी, जैसे नीट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, वैसे नीट पीजी भी एक गोल होता है, तो आपका गोल होगा नीट यूजी। और उसके बाद अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर वाले प्लान्स आ जाएंगे और वहां पे आपको रेफरल कोड पूछेगा। याद रखिएगा, एस बेस मेरा रेफरल कोड है, एस सत्येंद्र का एस और BAIS मेरा सरनेम है, तो ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों, याद रखिएगा, राइट? चलो अच्छा, फ्री लाइव क्लासेस तो होती हैं, इसके कोई चार्ज नहीं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं वहां पे अनअकैडमी ऐप पे, हमारे फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी बहुत सारी क्लासेस वहां पे फ्री हैं, मेरी भी बहुत सारी क्लासेस वहां पे फ्री हैं। आप जाएं तो वहां पे जाके फील कर सकते हैं कि आपको कैसा, मतलब वहां पे एनवायरमेंट रहेगा, राइट? 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर वाले कोर्सेज हैं बच्चों। लेकिन आई विल सजेस्ट कि जितने भी 11th वाले बच्चे हो वो 2 ईयर का कोर्स ले लो, और जितने भी 12th वाले बच्चे हो या ड्रॉपर्स हो वो 1 ईयर का कोर्स ले लो। 1 ईयर या 2 ईयर वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। 1 ईयर वाला आपको 60 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ जाता है और 2 ईयर वाला आपको 40 रुपीज पर डे पड़ता है, यानी काफी इकोनॉमिकल होता है। लेकिन अगर 1 ईयर वाला जैसे आप लेंगे तो आपको 30,000 का पड़ रहा है उसको, इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, राइट? मेरा रेफरल कोड क्या है, SBAIS, अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करोगे तो 30,000 वाला आपको 10% ऑफ सीधे मिल जाएगा और ये आपको 27,000 का पड़ेगा। सिमिलरली 2 ईयर वाला अगर आप प्लान लेंगे तो वो 36,000 का पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे दैट इज SBAIS, तो 10% ऑफ होने के बाद आपको ये 32,400 का पड़ जाएगा। अगर आपने ले लिया है देन गुड, अगर आपने नहीं लिया है ले लीजिए। अगर आपने ले लिया है तो अपने कजिन, फ्रेंड, जो भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इस समय अनअकैडमी पे हैं, आप चाहें तो सबसे पढ़ सकते हैं, सबकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, राइट? सो टू ज्वाइन दिस रेवोल्यूशन आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। चलो बच्चों अब अपन लोग आगे चलते हैं, राइट? सो हमारा टारगेट क्या है, जल्दी बताओ हमारा टारगेट क्या है बच्चों?
व्हाट इज अवर टारगेट, हमारा टारगेट कितना था, कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी। चलो चलो चलो, हु विल टेल मी, 360 आउट ऑफ 360 है हमारे नीट का टारगेट, कितने लोगों को पता है ये टारगेट, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू, थैंक यू अनवर, यू आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, थैंक यू अनवर, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं, मैं कॉन्सेप्ट को ईजी कर सकूं, राइट। चलो हमारा टारगेट क्या था, आनंद ने बताया, समीर ने बताया, प्रेरणा ने बताया, चलो 360 आउट ऑफ 360 इन नीट 2021, ये हमारा टारगेट है। और आज हमारी इकोसिस्टम की पार्ट टू की क्लास है, लास्ट क्लास में हम लोग ने इकोसिस्टम के काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम उसको आगे ले जाएंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और हमारी इस सीरीज का नाम क्या है, कौन बताएगा, द नेम ऑफ अवर सीरीज इज बायोपीडिया, राइट। सो आई वेलकम यू ऑल टू बायोपीडिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब हम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों कॉपी और पेन ले लीजिए, हेलो हेलो अदिति, अदिति भी आ गई, आनंद भी आ गया, गुड गुड गुड, चलो कॉपी पेन ले लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था इकोलॉजिकल हायरार्की समझाई थी, तो सबसे नीचे बेसिक यूनिट क्या होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का, इकोलॉजिकल हायरार्की का बेसिक यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलके बनाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बनाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी दो टाइप के थे, बायोटिक एबायोटिक, कम्युनिटी बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम, बड़े एरिया में फैले हुए इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं, और वर्ल्ड के सारे बायोम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर। सो इकोलॉजिकल हायरार्की का हाईएस्ट यूनिट ही मैंने समझाया था, इकोलॉजिकल हायरार्की का हाईएस्ट यूनिट क्या होता है, बायोस्फेयर, और बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। आप लोग याद रखिएगा इसको, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, अगर कभी आ जाए ये क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोलते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखिएगा, टर्म इकोसिस्टम, ये नीट में आ चुका है टर्म इकोसिस्टम, अरे यार ये जीके वाले क्वेश्चन से, ये सब तो याद रखा करो, टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय ए जी टेंसले, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है हमारे यहाँ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, एंड टर्म इकोसिस्टम दिया था ए जी टेंसले ने, राइट। चलो 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 चलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सभी को, जल्दी बोलो आवाज आ रही है सभी को, अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो चलो बच्चों आवाज आ रही है, सही है, सुनो साउंड आ रहा है, चलो 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 अपन लोग स्टार्ट करते हैं, आ रही है ना, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या क्या आ रहा था, स्पीशीज कंपोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। की फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, प्रोडक्टिविटी आता है, एनर्जी फ्लो आता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है और डीकम्पोजिशन आता है। इसमें से हमने प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया था, एनर्जी फ्लो कंप्लीट कर लिया था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कंप्लीट कर लिया था, आज हमें स्टार्ट करना था डीकम्पोजिशन से, यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना था, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डीकम्पोजिशन। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने एनसीईआरटी का देखा होगा, एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखा होगा डीकम्पोजिशन के बारे में, राइट। चलो डीकम्पोजिशन के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को कंज्यूम किया कार्निवोर ने, कार्निवोर को कंज्यूम किया टॉप कार्निवोर में। अब सपोज करिए टॉप कार्निवोर की यहाँ पे डेथ हो गई, डेथ हो गई, प्रोड्यूसर के भी जो पार्ट्स हैं प्लांट या उसके पार्ट, ये भी सॉइल में जाके मिल गए। तो आपने देखा होगा प्लांट में, सॉइल में प्लांट के पार्ट्स पड़े रहते हैं और एनिमल के पार्ट्स भी पड़े रहते हैं। तो आप लोग क्या क्या देखते हैं कि सॉइल में क्या क्या पड़ा रहता है, सॉइल में तीन प्रकार की चीजें पड़ी रहती हैं, राइट। सॉइल में तीन प्रकार की चीजें पड़ी रहती हैं, जब आप देखते हैं, जब आप लोग बाईपास होते होंगे रोड से या सॉइल में देखते होंगे, तो सॉइल में तीन प्रकार की चीजें रहती है, प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल, कभी कभी तो पूरा एनिमल मरा पड़ा रहता है या उसके पार्ट्स पड़े रहते हैं, बॉडी पार्ट्स रहते हैं, या फीकल मैटर, एनिमल का फीकल मैटर पड़ा रहता है। सो प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट और एनिमल का फीकल मैटर, ये तीनों मिलके बनाता है डेट्राइटस। और डेट्राइटस एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको याद रखिएगा, डेट्राइटस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डेट्राइटस क्या होता है, सबसे पहले आपको सबसे इजीली एक क्वेश्चन आएगा, इसको फिर से सुनिए, सबसे इजीली आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डेट्राइटस, डेट्राइटस इज प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट और एनिमल का फीकल मैटर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। और डेट्राइटस में ही पहली बार डीकम्पोजिशन का प्रोसेस चालू होता है, यानी कि डीकम्पोजिशन का इजी डेफिनेशन हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि डेट्राइटस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, क्यों आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही क्या बच्चे, बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, सही, यस सुनो,
आई होप सो आपको आवाज आ रही हो। कितने लोगों को आवाज आवाज मेरी क्लियर है ना बच्चों? से यस सो नो और थम्स अप बनाओ, वट एवर, राइट? यस सो नो एटलीस्ट, सो दैट आई कम टू नो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सबको आ रही है ना? चलो ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि डीकम्पोजिशन स्टार्ट कहां से होता है? डीकम्पोजिशन चलो ओके आगे चलते हैं अपन लोग। हाँ, तो डेट्राइटस में क्या क्या जाता है बच्चों? डेट्राइटस में क्या क्या जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया डेट्राइटस में क्या क्या जाता है। डेट्राइटस में आता है प्लांट या उसके पार्ट, सॉरी, डेट्राइटस में क्या क्या आता है? प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर। जब ये तीनों सॉइल में मिलता है, कहां पे मिलेगा? सॉइल में मिलेगा। तो सॉइल में डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। किसका प्रोसेस स्टार्ट होगा? डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नाउ डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। तो ये बेसिक आप लोग याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। सेकेंड क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? ये क्वेश्चन आएगा, डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया डीकम्पोजिशन किसमें होता है? डेट्राइटस में। सो डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन, राइट? चलो अपन लोग आगे चलते हैं। नाउ डीकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन के टोटल तीन स्टेप्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के दो सब स्टेप्स होते हैं, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, राइट? एक एक करके फिर से सुनो। डीकम्पोजिशन टोटल तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड स्टेप को लीचिंग, थर्ड स्टेप को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म के दो सब स्टेप्स होते हैं, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब मैं आपको इजीली समझा रहा हूं, देखते जाओ एक एक करके। सपोज करो ये डेट्राइटस, देखते जाना सब लोग। सपोज करो ये है डेट्राइटस। अब आपको पता ही है कि डेट्राइटस में क्या क्या जाता है। डेट्राइटस में प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर। सपोज करो ये डेट्राइटस है। सबसे पहले डेट्राइटस में डेट्रीवोर्स एक्ट करेंगे, डेट्रीवोर्स एक्ट करेंगे, और इस डेट्राइटस को छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये देखो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इट इज द सेम फंडा कि जैसे आप लोग जब घर में रोटी चावल एक्सेट्रा खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो एक रोटी को हम कई बार च्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस पर एंजाइमेटिक एक्शन अच्छे से हो सकता है। और इसीलिए यही सेम फंडा अप्लाई करो यहाँ पे कि डेट्राइटस के एक बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? डेट्रीवोर्स, जैसे कि अर्थवॉर्म। जैसे कि अर्थवॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर। कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया? कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया कि डेट्राइटस को सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये काम डेट्रीवोर्स करता है, राइट? फ्रेगमेंटेशन ही हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जो भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो नीचे चले जाते हैं, परकोलेट्स। इनका परकोलेशन हो जाता है, परकोलेट्स इनटू द सॉइल। ये सॉइल में नीचे चले जाते हैं एंड आर अनअवेलेबल, एंड आर अनअवेलेबल, वो नीचे चले जाते हैं, राइट? अब जो भी ऊपर बचता है, अब उसमें कैटाबॉलिज्म होगा। तो आप लोग इसको फिर से सुनिए, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनेगा। मैंने सबसे पहले बोला कि डेट्राइटस के एक बड़े पीस में फ्रेगमेंटेशन होगा। डेट्रीवोर्स उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कौन आएगा? फ्रेगमेंटेशन में कौन आएगा? डेट्रीवोर्स आएंगे। तो डेट्रीवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म। डेट्रीवोर्स का बेसिक एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म। इसने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, किसका? डेट्राइटस का। डेट्राइटस छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया,
उसका फायदा क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसपे अब आगे जाके माइक्रोब्स उस पर इजिली एक्ट कर सकते हैं, यानी डिकम्पोजर्स उस पर इजिली एक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो अब आगे गए तो उसमें से वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नीचे चले जाएंगे सॉइल के, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे चले जाएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लीचिंग। तो फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस में से जितना भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नीचे चले जाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीचिंग बोलेंगे। और उसके बाद उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोज। मिनरलाइजेशन बोलते हैं, और मिनरल्स बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया, जल्दी बताओ, कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ, से फास्ट, कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ, से यस और नो एटलीस्ट, सो दैट आई विल कम टू नो। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डीकम्पोजिशन के स्टेप्स कौन से होते हैं, कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ, डीकम्पोजिशन के स्टेप्स कौन से होते हैं। चलो कितने स्टेप्स होते हैं डीकम्पोजिशन के, पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड होता है लीचिंग, थर्ड होता है कैटाबॉलिज्म। ये सारे स्टेप्स डीकम्पोजिशन के साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ऑल द स्टेप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑकर साइमल्टेनियसली इन एन इकोसिस्टम। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द डेट्राइटस इज चेंज्ड, द डेट्राइटस इज चेंज्ड इनटू फाइन पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोर्स, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, ये डेट्रीवोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। सबसे पहले आप सोचो डेट्राइटस क्या था, डेट्राइटस क्या था, प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर, ये था डेट्राइटस। उसको सबसे पहले तोड़ा जाएगा, फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म एंड टर्माइट्स। तोड़ने का क्या फायदा होगा, मतलब फ्रेगमेंटेशन का क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि डेट्राइटस का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया तो बढ़ा दिया आपने, सेकंड प्रोसेस होगी लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो भी आपने डेट्राइटस को तोड़ा है, उस फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस में से जितने भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल होराइजन में नीचे चले जाते हैं, एंड दे आर प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जितने भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस के, वो सॉइल में नीचे चले जाते हैं, एंड दे आर प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। इसको बोलते हैं लीचिंग। थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। जितना भी फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस में से ऊपर का पार्ट बचा हुआ रह जाता है, अब उसका ब्रेकडाउन करने आएंगे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंगस, या हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, उसका ब्रेकडाउन करने आएंगे। ये फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेकडाउन करेंगे, राइट। तो ये ब्रेकडाउन करेंगे और दो प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, ह्यूमस प्रोड्यूस होगा और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होगा। ह्यूमस प्रोडक्शन के प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनने के प्रोसेस को बोलेंगे मिनरलाइजेशन। कितने लोगों को अब क्लियर हुआ, कितने लोगों को अब क्लियर हुआ, से यस और नो, कितने लोगों का फंडा ये क्लियर हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट राइट, कि सर तीन स्टेप होंगे, पहला होगा फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, और उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कितने लोगों को क्लियर हुआ, ओके चलो चलो चलो, क्लियर हुआ बच्चों। चलो वन लास्ट टाइम देख लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। तीन प्रोसेस थे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। फ्रेगमेंटेशन मतलब तोड़ना, डेट्रीवोर्स करेंगे, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स ये काम करेंगे, राइट। लीचिंग मतलब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस में से नीचे चले जाएंगे, एंड दे विल बी अनअवेलेबल सॉल्ट। कैटाबॉलिज्म मतलब अब यहाँ पे आएंगे डीकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, राइट। चलो और दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, ह्यूमस और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ह्यूमस बनने के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनने के प्रोसेस को मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमस क्या होता है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, इसको याद कर लो। ह्यूमस क्या होता है, इसको अच्छे से याद रखना। वॉट इज ह्यूमस, ह्यूमस इज डार्क कलर्ड, ह्यूमस इज कोलॉइडल, एमॉर्फस एंड स्लाइटली एसिडिक सब्सटेंस विच इज हाइली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपने डेट्राइटस को सबसे पहले किया फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद आपने की लीचिंग, और लीचिंग के बाद आपने किया कैटाबॉलिज्म, तो अब यहाँ पे आपको मिला ह्यूमस। अब ये जो ह्यूमस था ये किससे मिला है, डेट्राइटस से मिला है। अब ह्यूमस की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ये डार्क कलर्ड होता है, कोलोइडल होता है, एमॉर्फस होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होता है, इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट, इसमें बहुत ही धीमे रेट से डीकम्पोजिशन होता है, एंड इट इज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको नीट का ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान से सुनिए, आपको ये नीट का क्वेश्चन ऐसे आएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमस इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस। तो ह्यूमस डेट्राइटस से ही बना है, राइट? ह्यूमस डेट्राइटस से ही बना है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये डार्क कलर्ड होता है, ये कोलोइडल होता है, ये एमॉर्फस होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट अ स्लो रेट। ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन में कहीं स्लो की जगह फास्ट, एसिडिक की जगह बेसिक तो नहीं लिखा, डार्क कलर्ड की जगह लाइट कलर्ड तो नहीं लिखा। इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सारी प्रॉपर्टीज थी। कितने बच्चों को क्लियर हुई ह्यूमस की प्रॉपर्टीज? कितने बच्चों को क्लियर हुई ह्यूमस की प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी बताओ। गुड इवनिंग राहुल, राहुल इज सेइंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कितने बच्चों को ह्यूमस की प्रॉपर्टीज क्लियर हुई से फास्ट, से यस और नो? क्लियर हुई बच्चों? ओके, चलो चलो चलो, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई ना? चलो चलो चलो, ओके चलो आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर रहते हैं? पहला होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, और दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल याद रखना। व्हाट आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन? दो फैक्टर ही होते हैं, पहला होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस और दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो। केस ए, अगर डेट्राइटस में बहुत ज्यादा, इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन काइटिन, तो इनको तो डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर डेट्राइटस में शुगर ज्यादा है, अगर डेट्राइटस इज रिच इन शुगर्स, अगर उसमें शुगर ज्यादा है या नाइट्रोजिनस कंपाउंड ज्यादा हैं, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन बहुत ही फास्ट होगा। बच्चों ये बिल्कुल क्लियर याद रखना, राइट? कि अगर डेट्राइटस में काइटिन, लिग्निन एटसेट्रा ज्यादा है तो डीकम्पोजिशन धीमे होगा, लेकिन अगर उसमें शुगर और नाइट्रोजिनस कंपाउंड ज्यादा है तो डीकम्पोजिशन कैसा होगा बच्चा? फास्ट होगा, राइट? ये दो चीजें थी, राइट? अब चलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीजें आती हैं, टेम्परेचर यानी कि 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, ऐसे याद रखो, 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, और अगर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है तो स्लो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अगर सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो मोर मॉइस्चर, अगर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, और अगर ड्राई कंडीशन रहेगी तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अगर एरिएशन की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना। डीकम्पोजिशन इज एन एरोबिक प्रोसेस, डीकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस होता है, ये एनएरोबिक नहीं होता है। डीकम्पोजिशन इज एन एरोबिक, ये एक एरोबिक प्रोसेस होता है बच्चों, डीकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस होता है, तो आपको याद रखना। ये थे सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, जितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ ध्यान से सुनो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन दो प्रकार के होते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, की डेट्राइटस किसका बना हुआ है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं। केमिकल कंपोजिशन में दो चीज, ओके। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में तीन प्रकार के क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट? कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं बच्चों? चलो आगे चलते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ रहे थे, कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ रहे थे हम लोगों ने अभी देखा। पहला आ रहा था क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, पहला आ रहा था, राइट? क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन सा आ रहा था? ओके, पहला आ रहा था टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तो फास्ट होगा डिकम्पोजिशन, और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो स्लो होगा डिकम्पोजिशन। मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो फास्ट होगा, अगर ड्राई रहेगी सॉइल या ड्राई रहेगी सॉइल तो स्लो होगा। नेक्स्ट, अगर डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन मिलेगी तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डीकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस होता है। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ, यहां पे हमारा डीकम्पोजिशन कंप्लीट हुआ बच्चों। चलो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूँ, फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। जितने लोग नए ज्वाइन किए हो, मैं फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, देखते जाओ। चलो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, देखते जाओ। चलो हम लोग ने यहां से स्टार्ट किया, हम लोग ने आज पहला स्टेप स्टार्ट किया डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होता है डेट्राइटस। डेट्राइटस में आता है प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, या एनिमल का फीकल मैटर, यानी डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन, राइट? और डीकम्पोजिशन के कितने स्टेप थे? तीन। कौन से स्टेप थे? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के दो सब स्टेप थे, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन,
और ये एनसीईआरटी में लिखा है कि ये सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं एक इकोसिस्टम में. ऑल द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली इन एन इकोसिस्टम. ये वर्ड याद रखना, साइमल्टेनियस, राइट. नेक्स्ट हम आगे गए, ये हम लोग ने तीनों प्रोसेस पढ़े. फिर हम लोग ने ह्यूमस की प्रॉपर्टी पढ़े. डार्क कलर्ड कोलोइडल एमोर्फस स्लाइटली एसिडिक हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट अ स्लो रेट एंड इट इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके बाद गए हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन पढ़े. यहाँ पे हमारे फोर फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम हुए कंप्लीट. यहाँ पे हमारे फोर फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम हुए कंप्लीट. डोरेमोन, चलो चलो चलो, कितने बच्चे लोग आ गए? जितने भी बच्चे मुझे गुड इवनिंग बोल रहे हो ना, सबको गुड इवनिंग. जितने बच्चे मुझे हाय बोल रहे हो, सबको मेरी तरफ से भी हाय. चलो नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं. फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, चलो ध्यान ध्यान से देखो. फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है. आपको पता ही होगा ना कि जैसे प्रोड्यूसर को कंज्यूम, प्रोड्यूसर को हर्बीवोर को कार्निवोर को टॉप कार्निवोर, इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है. दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवोर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फूड चेन. फूड चेन बेसिकली इकोसिस्टम में कितने टाइप्स की होती है? तीन. ग्रेजिंग फूड चेन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रेडेटर फूड चेन. डेट्राइटस फूड चेन, जिसका दूसरा नाम होता है सैप्रोफिटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन, जिसको दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी फूड चेन. बहुत सारे बच्चे लोगों को ये ऑल्टरनेटिव नेम याद नहीं रहते, तो याद रखिएगा. ग्रेजिंग फूड चेन का दूसरा नाम है प्रेडेटर फूड चेन. डेट्राइटस फूड चेन का दूसरा नाम है सैप्रोफाइटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी फूड चेन. एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज ग्रेजिंग फूड चेन. सभी लोग देखो, ग्रेजिंग फूड चेन में ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है. ग्रेजिंग फूड चेन में ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है. ग्रेजिंग फूड चेन में बहुत सारी फूड चेन बनी हुई है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना कि ग्रासलैंड की फूड चेन बनी हुई है आप लोग की, और आप लोगों को एक्वेटिक फूड चेन बनी हुई है. तो ग्रेजिंग फूड चेन में ये देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये अलग अलग लेवल्स को अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल. सो दिस विल बी द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस विल बी द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस विल बी द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस विल बी द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या क्या मिलेगा आपको? प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज मिल जाएगा. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जू प्लांकटन, ग्रास ऑपर, काउ मिल जाएगा. थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बर्ड्स, फिशेस और वॉल्फ मिल पाएगा. और सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पे मिल जाएगा मैन और लायन. आपको इजीली नीट का क्वेश्चन आएगा. अब नीट का क्वेश्चन सुनिए, इस डायग्राम से कैसे आएगा. नीट का क्वेश्चन आपको आएगा, मैन या लायन किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं? बर्ड, फिशेस या वॉल्फ किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं? जू प्लांकटन, ग्रास ऑपर या काउ किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं? फाइटोप्लांकटन, ग्रास या ट्रीज, ये किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं? इसीलिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लीजिए. चलो ओके, देन नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं. ये वाला आप लोग देख लीजिएगा. अब एक एक करके चल रहे हैं अपन लोग, देखते जाओ. चलो अब एक एक करके अपन लोग चल रहे हैं. सबसे पहले अपन चल रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन. नाउ ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या क्या आता है देखो. यहाँ पे ग्रेजिंग फूड की चेन के अंदर आता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन. टेरेस्ट्रियल फूड चेन कैसे जाती है? ग्रास को खाया ग्रास ऑपर ने, ग्रास ऑपर से एनर्जी गई फ्रॉग में, फ्रॉग से एनर्जी गई स्नेक में, स्नेक से एनर्जी गई ईगल में. यानी ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल. फ्रॉग आ गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, स्नेक आ गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, और ईगल आ गया फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे. यानी एक इकोसिस्टम में, एक ग्रेजिंग फूड चेन में मैक्स टू मैक्स याद रखना फोर या फाइव ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं. इससे ज्यादा नहीं होते. फोर या फाइव ट्रॉफिक लेवल मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. उसका रीजन है क्योंकि आपको पता है ना 10-10% एनर्जी ट्रांसफर होता है. जैसे सपोज करो, अगर यहाँ पे 10,000 किलो जूल एनर्जी थी ग्रास के पास, तो ग्रास ऑपर के पास कितनी जाएगी जल्दी बताओ. ग्रास के पास अगर 10,000 किलो जूल है तो ग्रास के पास कितनी चले जाएगी? उसका केवल 10% जाएगा. यानी कि ये कितना हो गया? 1,000 किलो जूल चले जाएगा. फ्रॉग के पास कितना जाएगा? 100 किलो जूल जाएगा. स्नेक के पास कितना जाएगा? 10 किलो जूल चले जाएगा. ईगल के पास 1 किलो जूल जाएगा. तो एनर्जी क्योंकि डिक्रीज होते जाती है, दिस इज द मेन रीजन कि चार या पांच से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं सपोर्ट कर पाता है एक इकोसिस्टम. तो कभी क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक इकोसिस्टम कितने लेवल सपोर्ट कर सकता है. राइट. चलो कितने, ये क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया कि एक इकोसिस्टम में चार या पांच ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं हो सकते? इससे यस और नो, इससे यस और नो. कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ कि यार ठीक है, एक इकोसिस्टम में
चार या पांच से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट नहीं कर पाता नॉर्मली, क्योंकि एनर्जी जो है वो 10-10% ही ट्रांसफर होती है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? चलो समीर इज सेइंग यस, क्लियर हुआ। चलो चलो चलो, नीतू हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड बच्चा। चलो चलो चलो, मोहम्मद साद, रिचा, रुतु, रवींद्र, ओके ओके ओके, अंशिका इज सेइंग यस। चलो 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 आगे चलते हैं। एक्वेटिक फूड चेन देखो, एक्वेटिक फूड चेन देखो, एक्वेटिक फूड चेन कैसे भागती है? फाइटोप्लांकटन को खाया, जू प्लांकटन ने जू प्लांकटन को खाया, स्मॉल फिश ने स्मॉल फिश को खाया, लार्ज फिश ने, यानी ये इस तरीके से भाग रही है। ये देखो तो यहाँ पे कितने ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना अच्छे से, ग्रेजिंग फूड चेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन। ग्रेजिंग फूड चेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सन। जितने लोगों को नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसर को खाएगा हर्बीवोर, को खाएगा कार्निवोर, को खाएगा टॉप कार्निवोर। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी कहाँ से बनाएगा, तो आप बता दोगे बड़े इजीली, सर सन से जो लाइट आ रही थी वही लाइट एब्जॉर्ब करके, सन से जो लाइट एनर्जी आ रही थी उसी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूसर खाना बनाएगा। तो ये पूरी की पूरी हुई ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? सन। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ग्रेजिंग फूड चेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सन होगा, क्योंकि सनलाइट ही आएगी, वही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ते जाएगी, राइट? चलो देन नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चा जो याद रखना है, सारे बच्चे लोगों को एक और बहुत याद रखनी है कि ग्रेजिंग फूड हुआ है एनसीईआरटी में, कंडुइट लिखा हुआ है, कंडुइट मतलब पाथवे, एनसीईआरटी में कंडुइट लिखा हुआ है, कंडुइट मतलब पाथवे, कंडुइट मतलब याद रखिएगा। ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसको पढ़ लेना अच्छे से, ऑप्शन में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सबको क्लियर रहना चाहिए, राइट? चलो 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 चलो, सभी लोग देखो मैंने क्या क्या बताया। ग्रेजिंग फूड चेन पहली बात, ये इसके एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन, ये तो याद रख लेना। फिर याद रखना, चार या पांच ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है एक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन में। क्यों? क्योंकि एनर्जी 10-10% ही ट्रांसफर होती है, सो ये डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि सन ही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो बता रहा हूं, सारे लोग याद रखिएगा, सारे लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, सुन लो सभी लोग इसको टिक कर लो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, मेनली एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है? तो डेट्राइटस फूड चेन से होता है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूछे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूछे तो मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी किसके थ्रू होता है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होता है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट आज का, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये प्लीज सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है। आधे बच्चे ग्रेजिंग फूड चेन टिक करके आ जाओगे, नहीं, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो। दिस वाज अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन। नाउ लेट्स गो टू डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको डीकम्पोजिशन का प्रोसेस। डेट्राइटस फूड चेन का दूसरा नाम भी बताया था, सेप्रोफिटिक फूड चेन, ये थोड़ी देर पहले बताया था। डेट्राइटस फूड चेन का एग्जांपल है डेट्राइटस, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। ये मैंने कई बार बताया ना, डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। डेट्राइटस पे एक्ट करेगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को यहाँ पे कंज्यूम करेगा स्पैरो, स्पैरो को कंज्यूम करेगा फैलकन। कभी आपको ये आ जाए कि ये बना हुआ रहे और ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किस प्रकार की फूड चेन है, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, राइट? किस प्रकार की फूड चेन है? डेट्राइटस से अर्थवॉर्म से स्पैरो से फैलकन, ये डेट्राइटस फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? डेट्राइटस से। फिर से सुनो, मैंने बोला था ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरू होती है? सन से शुरू होगी, जबकि डेट्राइटस फूड चेन कहां से शुरू होगी? डेट्राइटस से शुरू होगी। ये दो फंडे याद रखना, राइट?
नेक्स्ट आगे चलते हैं. डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द डेट्राइटस, और डेट्राइटस एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है. डीकम्पोजर्स में क्या क्या आ जाते हैं? देखो, डीकम्पोजर्स के अंदर डेट्रीवोर्स आते हैं, जैसे कि स्लग और अर्थवॉर्म, और बैक्टीरिया और फंगाई भी आते हैं. नेक्स्ट हम लोग आगे के स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? दे कंज्यूम्स मेजर पार्ट ऑफ द डेट्राइटस. अब यहाँ पे बच्चों देखो, मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे आप लोग गलती करते हो. बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं, राइट? बहुत सारे बच्चे लोग जनरली ये गलती करते हैं, राइट? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सभी लोग. डीकम्पोजर्स के अंदर क्या क्या आता है? डीकम्पोजर्स जो होते हैं, इसके अंदर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं. पहला आता है डेट्रीवोर्स. डेट्रीवोर्स जैसे कि स्लग और अर्थवॉर्म, स्लग और अर्थवॉर्म, राइट? डीकम्पोजर्स के अंदर डेट्रीवोर्स आते हैं जैसे कि स्लग और अर्थवॉर्म, और इसके अलावा बैक्टीरिया और फंगस भी आते हैं. ये आते हैं. स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स भी सुन लीजिए, बहुत सारे लोग इन तीनों वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं. सर स्कैवेंजर भी तो एक ही है. नहीं, स्कैवेंजर्स अलग. स्कैवेंजर्स जो होते हैं, दे कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द डेट्राइटस. ये डेट्राइटस का मेजर पार्ट को कंज्यूम करते हैं, और इनके कंजम्पशन के बाद डेट्रीवोर्स आते हैं और उस डेट्राइटस पे वर्क करते हैं. सो स्कैवेंजर्स आर डिफरेंट. एग्जाम्पल इज वल्चर एंड जैकॉल. याद रखना, अगर आपको ये इजी इजी क्वेश्चन आए तो गलती मत करके आ जाना. अगर आपको जैसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आएगा मैं आपको बोल के बता देता हूँ. क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा कि डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या है? तो डीकम्पोजर्स में आएंगे स्लग, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगाई. स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल क्या है? वल्चर एंड जैकॉल, राइट? और मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया. मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है बच्चों? बच्चों मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो से यस और नो. एटलीस्ट से यस और नो, सो दैट आई विल कम टू नो. आ रही है? आ रही है? चलो, अगर आप लोगों को ये क्लियर आ रही है तो अपन लोग आगे चलते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेट्राइटस फूड चेन. नेक्स्ट आगे चलते हैं पैरासिटिक फूड चेन पे. पैरासिटिक फूड चेन कैसे भागती है? देखो, ट्री ट्री को खाया हर्बीवोर बर्ड्स, हर्बीवोर बर्ड्स को खाया लाइस एंड बग्स ने. पैरासिटिक फूड चेन की एक खास बात रहती है जो इसे सेपरेट करती है, राइट? सेपरेट करती है बाकी के दो फूड चेन से, कि यहाँ पे द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज ऑन रिड्यूसिंग विद द हायर ट्रॉफिक लेवल. जैसे ट्री सबसे बड़े साइज का होगा, ट्री सबसे बड़े साइज का होगा, हर्बीवोर बर्ड्स छोटी होंगी उससे ऑब्वियसली, और लाइस एंड टिक्स तो और छोटे होंगे. तो आप यहां देख रहे हो द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन रिड्यूसिंग विद हाई ट्रॉपिक लेवल. बाकी दोनों में साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? चलो, ओके. लास्ट स्लाइड में मैं सिर्फ ये समझा रहा था, जितने लोगों को समझ में नहीं आया हो, कि डेट्राइटस फूड चेन कैसे भागेगा. डेट्राइटस को खाएगा, अर्थवर्म को खाएगा, स्पैरो को खाएगा, फैल्कन. डेट्राइटस फूड चेन किससे शुरू होगी? डेट्राइटस से शुरू होगी. और डेट्राइट डीकम्पोजिशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? डीकम्पोजर पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे स्कैवेंजर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? चलो, नेक्स्ट पैरासिटिक फूड चेन भी हमारा कंप्लीट हुआ. अब दो तीन पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने हैं बच्चों, दो तीन पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने हैं. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, कार्निवोर को खाया टॉप कार्निवोर ने. अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम. कभी कभी क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर लेता है. और जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट? जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप जानते हो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये किसको खाते हैं? ये सबको पता होगा, इंसेक्टिवोरस नाम ही लिखा हुआ है, तो ये इंसेक्ट को खाएंगे. टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ये अपनी किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को यूज करते हैं या खाते हैं? टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, राइट? इंसेक्टिवोरस प्लांट एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है और ये एक प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है. ये दो लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है. इंसेक्टिवोरस प्लांट खुद का खाना बनाएगा और इसको कोई और आके खा सकता है, या
एक नॉर्मल प्लांट को इंसेक्ट्स खाएंगे और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट उस इंसेक्ट को खा जाएगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है और एक कंज्यूमर भी हो सकता है। यहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, कैन यू नेम सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। जनरली ये क्वेश्चन हर 4-5 साल में एक बार रिपीट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो आपको याद रखनी है। निपेंथिस खासियाना को अपन बोलते हैं पिचर प्लांट, सेरेसिनिया को बोलते हैं डेविस बूट्स, ड्रोसेरा को बोलते हैं सनड्यू, डायोनिया को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, एल्ड्रोबंडा इज वाटर फ्ली ट्रैप, यूट्रिक्यूलेरिया इज ब्लैडर वर्ट, पिंग्विकुला इज बटरवर्ट। ये नाम है कुछ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, राइट। चलो देन एक और पॉइंट पे चलते हैं अपन लोग। ये नाम है कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के, नेक्स्ट चलते हैं। जैकॉल्स जो होते हैं, जैकॉल्स कार्निवोर भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर भी हो सकते हैं। ये पॉइंट कभी आए तो याद रखिएगा, जैकॉल कैन एक्ट एज, जैकॉल के डुअल रोल होते हैं। नहीं मान्य, आज मेरी क्लास नहीं थी, नहीं मान्य, आज मेरी क्लास नहीं थी, नहीं थी, कल है मान्य मेरी क्लास वहां पे, राइट। नेक्स्ट, स्पैरो एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है जब ये खाता है सीड या फ्रूट, और ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है जब ये इंसेक्ट को खाता है या वॉर्म को खाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी क्रिटिकल बन जाते हैं कई बार। जैसे अब आपको सीधे सीधे आए इंसेक्टिवोरस प्लांट किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे, तो याद रखना ये एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। जैकॉल्स कार्निवोर के जैसे एक्ट करेगा, स्केवेंजर दोनों के जैसे एक्ट करेगा, स्पैरो भी दो जगह दो चीज के जैसे एक्ट कर सकती है। इट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी कंज्यूमर एज वेल एज द सेकेंडरी कंज्यूमर। चलो अब हम लोग चलते हैं फूड वेब पे। ये देखो बच्चों कितना प्यारा सा ये डायग्राम बना हुआ है फूड वेब का, राइट। फूड वेब का एक बड़ा सा प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। ये आप लोग जानते हो फूड वेब क्या होता है। अगर मान लो एक फूड चेन और दूसरी फूड चेन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे खूब सारी फूड चेन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन ऑफ फूड चेन्स के कारण क्या बनती है, फूड वेब बनती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन ऑफ फूड चेन के कारण फूड वेब बनती है। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलत कर सकते हो। याद रखिएगा, किसी भी इकोसिस्टम में जितना ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी उतना स्टेबल होगा इकोसिस्टम। उसका रीजन है, किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये आपको मकड़ी के जाल जैसा दिख रहा होगा, यार यहां से इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, एग्जैक्टली। किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी फूड वेब उतना ज्यादा स्टेबल होगा इकोसिस्टम। उसका मेजर रीजन है, दो तीन मेजर रीजन है कि फूड वेब के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला कि इट इट अवॉइड्स या इट डिक्रीजेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज। फूड वेब होने से क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती किसी की भी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि फूड के जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है, एक को नहीं खाया तो दूसरे को खा सकते हैं। तो फूड वेब होने का फायदा क्या होता है, इट डिक्रीजेस द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, ये किसी भी स्पीशीज का अतिदोहन, इंग्लिश में ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इट डिक्रीजेस द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज और इट इंक्रीजेस द फूड ऑप्शन। जो फूड ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि फूड वेब होने का फायदा यह है कि एक फूड नहीं है तो दूसरा फूड ऑप्शन पे आप डिपेंड कर सकते हो, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फूड वेब के दो फायदे होते हैं, तीन पॉइंट याद रखना। पहला, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी फूड वेब उतना स्टेबल होगा इकोसिस्टम। दूसरा, फूड वेब के कारण किसी भी स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फूड वेब के कारण एक से ज्यादा प्रकार के फूड ऑप्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास। कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ, कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू सेड कि ये सर अब क्लियर हो गया? कितने लोगों को ये फंडा क्लियर हुआ फूड वेब वाला? चलो आगे चलते हैं अपन लोग, मैं फूड वेब के बारे में बताता हूँ, राइट। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। एक से ज्यादा फूड चेन्स जब इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ये किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। फूड वेब ऑपरेट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फूड वेब क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लो किसी ट्रॉफिक लेवल पे फूड अवेलेबल ना हो, जैसे मान लो 2 मिनट सोचो, प्रोड्यूसर को खाया, हर्बीवोर को खाया, कार्निवोर को खाया, टॉप कार्निवोर ने, अगर इस कार्निवोर के नीचे यहाँ पे हर्बीवोर अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे हर्बीवोर की तरफ देखेगा। तो फूड वेब क्यों ऑपरेट होती है? क्योंकि कई बार लोअर ट्रॉपिक लेवल पे फूड ही नहीं होता, इसलिए दूसरी फूड चेन पे जाके इंटरसेक्ट किया जाता है। और टेस्ट प्रेफरेंसेस भी होते हैं, एग्जैक्टली। जैसे आपके कुछ फेवरेट फूड होते हैं, बाय द वे आप लोग का फेवरेट फूड क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू, चलो जल्दी जल्दी बताओ,
हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब कितने लोग फेवरेट फूड क्या है, कितने लोग फेवरेट फूड क्या है, जल्दी जल्दी मैं सुनना चाहता हूँ कि फेवरेट फूड क्या है आप लोगों का, जल्दी जल्दी जल्दी, सो दैट आई विल कम टू नो व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आई मीन जो आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये हमें पसंद है, ये खाना हमें पसंद है, राइट right? चलो चलो चलो, गुड बच्चों, ओके okay. समीर इज सेइंग बिरयानी बिरयानी, अरे क्या बात है, इतने सारे लोगों को बिरयानी पसंद है, मतलब आई थिंक बिरयानी बहुत सारे बच्चों को पसंद है, ओके चलो ठीक है। हाँ तो अब सोचो कि आपका भी तो टेस्ट प्रेफरेंस होता है ना, ओके बिरयानी, एवरीवन इज सेइंग बिरयानी और एक ही एक बात बोल रहे बार बार, ओके हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका भी फूड प्रेफरेंस होता है, वैसे ही एनिमल्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म का भी फूड प्रेफरेंस होता है, तो फूड प्रेफरेंस यानी कि टेस्ट प्रेफरेंस जब चेंज होगा तो उसके हिसाब से भी फूड वेब बन सकती है। और याद रखना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इको सिस्टम। अंशिका इज सेइंग कढ़ी चावल, मुजाहिद इज सेइंग गुलाब जामुन, सौरभ इज सेइंग पिज्जा, सुदम ओके 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 चलो 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 ओके, ऋतु इज सेइंग मूडी गर्ल, मेरा फेवरेट फूड मूड पे डिपेंड है, चलो चलो, अंशिका इज अगेन सेइंग कढ़ी चावल, अरे चलो गुड गुड गुड, ये देखो ये देखो। अब यार मेरा फेवरेट फूड क्या है यार, चलो चलो एग करी, अरे वाह पूरन पोली, अरे देखो ये देखो ये ऑप्शन आए, सारे भुक्कड़ बच्चे बैठे हुए चलो चलो गुड गुड गुड, चलो चलो बस चलो, अरे सिलेक्ट हो जाओ सबको मैं पिज्जा पार्टी दूंगा, सिलेक्ट हो जाओ बस मेहनत करके अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ सबको मैं पिज्जा पार्टी दूंगा, डोंट वरी, चलो अपन आगे चलते हैं राइट। हाँ तो बच्चों फूड वेब के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा, चलो आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अरे डोंट वरी समीर, मेरा फेवरेट फूड क्या है यार, यार मैं तो सब खा लेता हूँ, मुझे कोई ऐसा फेवरेट नहीं है, सभी चीज़ खा लेता हूँ यार मैं, सारे सर सब चीज़ खा लेता हूँ, ठीक है ठीक है, वैसे मैं बहुत सारी चीज़ यार सभी खा लेता हूँ, आई थिंक पनीर पसंद है, चिकन भी अच्छा लगता है, चलो आगे चलते हैं। हाँ फूड वेब द नेटवर्क ऑफ, चलो वापस आओ वापस आओ वापस, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड एज अ फूड वेब, फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और फूड वेब के होने से दो तीन फायदे हैं कि जो स्पीशीज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता, और दूसरी चीज कि फूड के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल रहते हैं राइट, एंड नेक्स्ट द जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब रहेगी उतना स्टेबिलिटी रहेगी इकोसिस्टम में। अब मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट वाला रिविजन, अब सभी लोग देखो मैं बिल्कुल फास्ट वाला रिविजन करा रहा हूँ, चलो मैं बिल्कुल फास्ट वाला रिवीजन करा रहा हूँ, जल्दी 2 मिनट के अंदर मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी अपन लोग, चलो सभी लोग देखो मैं 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा रहा हूँ फास्ट। चलो हम लोग ने आज की क्लास यहां से स्टार्ट की थी, हमने आज की क्लास यहां चलो, हाँ चलो इकोलॉजिकल हायरार्की हमने पढ़ी, ऑर्गेनिज्म मिलके, पॉपुलेशन मिलके, कम्युनिटी मिलके, इकोसिस्टम मिलके, बायो मिलके, बायोस्फेयर, तो हाईएस्ट यूनिट हो गया बायोस्फेयर और लोएस्ट यूनिट हो गया ऑर्गेनिज्म। फिर मैंने बताया कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसका नाम लिखा था, कौन बताएगा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, कौन बताएगा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसका नाम लिखा था अपन ने, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसका नाम लिखा था अपन लोग ने, राम देव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसका नाम लिखा था, जल्दी 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 जल्दी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसका नाम लिखा था, रामदेव मिश्रा अपन लोग लिखा था ना, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही क्या, ओके 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 ऋतु सिंह, हे भगवान उठा लो मुझे चलो ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्रा, और टर्म इकोसिस्टम, टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था बच्चों, ए जी टेंसले ने दिया था राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग गए और हम लोग ने पढ़ा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम में स्पीशीज डिकम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन आता है, फिर हम लोग ने गए की फंक्शनल एस्पेक्ट्स में प्रोडक्टिविटी आता है, एनर्जी फ्लो आता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है, डिकम्पोजिशन आता है, इसमें से ये हम लोग ने कल कर लिया था, प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो भी हम लोग ने कल कर लिया था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हम लोग ने कर लिया था, हमारा क्या बचा था डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन में हम लोग ने स्टार्ट किया, फिर
डीकम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। डीकम्पोजिशन में हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन डेट्राइटस से शुरू होता है, प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर ये बनाते हैं डेट्राइटस, विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ये कन्वर्ट होता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ये कन्वर्ट होता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, इसे डीकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग आगे गए और हम लोग ने पढ़ा कि स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के दो सब स्टेप्स, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये सारे स्टेप्स जो रहते हैं ये साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, एक साथ होते हैं इकोसिस्टम में। साइमल्टेनियसली वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, राइट। नेक्स्ट हम आगे गए, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, लीचिंग पढ़ा, कैटाबोलिज्म पढ़ा, ह्यूमस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक बार फिर से देख लो ह्यूमस की प्रॉपर्टी, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज देखते जाओ सभी। ये डार्क कलर्ड होता है, कोलोइडल होता है, एमॉर्फस होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट अ स्लो रेट, एंड इट इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ समीर, बिल्कुल करेक्ट। चलो चलो चलो, नेक्स्ट अपन गए और अपन ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। देन नेक्स्ट ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन के बारे में अपन लोग ने कुछ पढ़ा। टाइप्स ऑफ फूड चेन पढ़ी, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन, राइट। ग्रेजिंग फूड चेन का नाम था प्रेडेटर फूड चेन, डेट्राइटस का सेप्रोफिटिक फूड चेन, पैरासिटिक का ऑक्सिलरी फूड चेन था। देन नेक्स्ट हम लोग आगे गए, ग्रेजिंग फूड चेन या प्रेडेटर फूड चेन है, मैंने आप लोगों को बोला ये एनसीईआरटी का था, ये एनसीईआरटी का था, ये याद रख लेना आप लोग। देन नेक्स्ट हम लोग आगे गए, ग्रेजिंग फूड चेन में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, और ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो मैंने बताया अगर आपको क्वेश्चन आया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या मेन पाथवे ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, डेट्राइटस फूड चेन। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूछे, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूछे तो क्या रहेगा, ग्रेजिंग फूड चेन रहे। फिर हम लोग गए और हम लोग ने डेट्राइटस फूड चेन पढ़ी, देन नेक्स्ट हम लोग ने ये सब पढ़ा पैरासिटिक फूड चेन, देन वी वेंट एंड हम लोग ने कुछ ये प्लांट्स के नाम पढ़े, देन हम लोग गए और हम लोग ने फूड वेब पढ़ा। मैंने बोला फूड वेब से ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ अ स्पीशीज नहीं हो पाता और इससे फूड ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ फूड चेन फॉर्म्स द फूड वेब। नेक्स्ट फूड वेब से स्टेबिलिटी मिलती है किसी भी इकोसिस्टम को। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो 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 स्टार्ट करें क्वेश्चन, से यस और नो, से यस और नो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, से यस और नो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जल्दी 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 स्टार्ट करें क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। चलो 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 ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। डेड प्लांट रिमेन्स जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, इन सबको जब मिला लो तो क्या बनता है, इन सबको मिला लो तो क्या बनता है, प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर, ये क्या बनाता है, वन का क्या आएगा आंसर। मैंने बताया था ना प्लांट या उसके पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, प्लांट या पार्ट, एनिमल या उसके पार्ट, और एनिमल का फीकल मैटर, ये क्या बनाता है, वो चीज बनाएगा जो रॉ मटेरियल होता है डीकम्पोजिशन का। अरे गुड, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर। चलो क्या आएगा, डेट्राइटस इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस फास्ट। टू का आंसर दो जल्दी जल्दी जल्दी, टू का आंसर दो, इनमें से कौन सा फॉल्स है ह्यूमस के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ह्यूमस। चलो चलो चलो, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड हेंस अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट। टू का क्या आएगा, प्रत्यक्ष आपका आंसर गलत है, प्रत्यक्ष आपका आंसर गलत है, आभास आपका आंसर सही है, शिवा आपका आंसर सही है, समीर आपका आंसर गलत है, अदिति आपका आंसर करेक्ट है बेटा, फरहीन आपका आंसर गलत है। चलो एक एक करके मैं हेल्प करता हूँ। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट, ये ट्रू है। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, ये ट्रू है। इट इज कोलोइडल इन नेचर, ये ट्रू है। इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये ट्रू है। सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे ट्रू थे। वेरी गुड, कितने बच्चों ने आंसर दिया यार, गुड, सभी ने सही आंसर दिया, एक दो गलत आंसर थे।
चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डीकम्पोजिशन, इनमें से कौन सा ट्रू है डीकम्पोजिशन के बारे में? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डीकम्पोजिशन, फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डीकम्पोजिशन, फटाफट थ्री का आंसर बताओ। जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो गुड समीर बेटा, अगर आपने किया था वेल एंड गुड। चलो चलो चलो, थ्री का क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, सबसे पहले आभास ने आंसर दिया, मोहम्मद साद आपका आंसर गलत है, रिचा आपका आंसर गलत है, फरीन आपका आंसर गलत है, आदिति आपका आंसर सही है, अंशिका आपका आंसर गलत है। चलो, इट इज एन एरोबिक प्रोसेस, जी हाँ। ऑल द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन ऑकर साइमल्टेनियसली, जी हाँ। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज स्लो इफ द डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड व्हाट, नहीं स्लो नहीं होता, फास्ट होता है। तो ये हो गया गलत, यानी कि आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, दिस विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट अगर रहेगा, वार्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है डीकम्पोजिशन के बारे में। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में क्या होगा डीकम्पोजिशन, फास्ट होगा या स्लो होगा? वेर इज लो टेम्परेचर और एनएरोबायोसिस में क्या होगा, स्टिमुलेट या इनहिबिट? चलो बताओ, फोर का आंसर। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, फोर का आंसर दो, फास्ट 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 बच्चों, फोर का आंसर दो। चलो 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 चलो, फोर का आभास ने सही आंसर दिया, आदिति ने सही आंसर दिया, रिचा ने सही आंसर दिया, शिखा ने सही आंसर दिया, शिवा ने सही आंसर दिया, विक्रांत ने सही आंसर दिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आंसर क्या आएगा, स्टिमुलेट्स एंड इनहिबिट, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फूड चेन इट इज, ये कौन सी फूड चेन बनी हुई है? ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट से वॉल्फ, वॉल्फ से टाइगर, ये कौन सी फूड चेन है? विच टाइप ऑफ फूड चेन, ये कौन सी फूड चेन है? विच टाइप ऑफ फूड चेन इट इज, विच टाइप ऑफ फूड चेन इट इज, ये कौन सी फूड चेन है? ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वॉल्फ ने, वॉल्फ को खाया टाइगर ने, जल्दी बताओ। फाइव का क्या आना चाहिए आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट, फाइव का क्या आना चाहिए, ये कौन सी फूड चेन दिख रही है आप लोगों को? अरे वन का है, टू का भी, थ्री का, ऐसे आंसर दो ना, मेरे को क्या पता किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। चलो आर्यन अवले आपका आंसर सही है, गुड। समीर आपका आंसर सही है, अतुल आपका आंसर सही है, गुड 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 गुड, आई थिंक एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, गुड बच्चों। ये कौन सी फूड चेन है? ग्रेजिंग फूड चेन है, राइट। ये कौन सी फूड चेन थी? ग्रेजिंग फूड चेन थी, राइट। चलो चलो चलो, आई थिंक एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इज फ्रॉम, मैंने बताया था ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो कौन सा होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर पाथवे कौन सा होता है एनर्जी फ्लो का? मैंने बताया था, याद करो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, सिक्स का आंसर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, मैंने बताया था, क्या आएगा आंसर? अरे गुड गुड गुड, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आएगा आंसर? मेजरली एनर्जी किसके थ्रू फ्लो करती है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू फ्लो करती है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये याद रखना, राइट। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, चलो चलो चलो, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय, फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। आभास बेटा आपका आंसर सही है, चलो चलो चलो, मुजाहिद आपका आंसर सही है, रिचा आपका आंसर सही है, वरुण आपका आंसर सही है, विक्रांत आपका आंसर सही है, अतुल आपका आंसर सही है, शिखा आपका आंसर सही है, गुड गुड गुड, रविंद्र आपका आंसर गलत है, समीर आपका आंसर गलत है, गुड 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 गुड। क्या आएगा आंसर? ए जी टेंसले, इसको याद रखना, जे सी बोस को इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस को बोलते हैं, रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी बोल सकते हो आप लोग, फादर ऑफ टर्म इकोलॉजी इन्होंने दिया था, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हो, फादर ऑफ
प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हो, और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं जे सी बोस। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, चलो चलो चलो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, चलो चलो चलो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, जल्दी बताओ, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। आभास, आपका आंसर गलत है, आभास आपका आंसर गलत था बेटा, जगदीश चंद्र बोस नहीं है फादर। ऋचा आपका आंसर सही है, आर्यन अवले आपका आंसर सही है, समीर आपका आंसर सही है, अतुल आपका आंसर गलत है, फरीन आपका आंसर गलत है। क्या आएगा आंसर? रामदेव मिश्रा, राइट, इट इज द आंसर। रॉबर्ट कॉन्स्टेंटा किससे रिलेटेड है? अगर ये ऑप्शन समझना है तो ये भी देख लो, इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कॉन्स्टेंटा ने दिया था, और गॉस ने क्या दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दी थी। ऑप्शन भी समझो, ये नहीं कि तुक्का मार दिया, राइट। गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दी थी, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा इज रिलेटेड विद इकोसिस्टम सर्विसेज, जेसी बोस को इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। आंसर अपना था रामदेव मिश्रा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम के दो इंपॉर्टेंट या तीन या चार कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम? क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम? जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है, कई बार चैट फास्ट भागती है तो कई नाम स्किप हो जाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का स्किप कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि आपको नहीं बनता, बन रहा है, तभी तो आंसर दे रहा हूँ ना बच्चा। चलो 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 चलो, नाइन का आंसर दो, जल्दी जल्दी दो, नाइन का क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी, आभास बिल्कुल सही आंसर बेटा, रिचा सही आंसर, मोहम्मद साद गलत आंसर, शिवा सही आंसर, वरुण राइट, साक्षी गलत आंसर है। चलो चलो, बाकी बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर में दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए, पहला क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन, और दूसरा होता है स्पीशीज कंपोजिशन। पहला होता है स्ट्रेटिफिकेशन, दूसरा होता है स्पीशीज कंपोजिशन। सो स्ट्रेटिफिकेशन इज द राइट आंसर, इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, बर्ड्स, फिशेज और वॉल्फ जनरली किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे? बर्ड, फिशेज और वॉल्फ किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे? ये एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया मैंने उठा के, एनसीईआरटी के डायग्राम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बर्ड, फिशेज और वॉल्फ किस लेवल को बिलोंग करेंगे? बर्ड्स, फिशेज और वॉल्फ किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, ये मैंने बताया था ना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पढ़िएगा। क्या आएगा आंसर 10 का? वरुण बेटा बिल्कुल सही आपका आंसर, बिल्कुल सही। अदिति आपका आंसर गलत है बेटा, चेक करो, सही है सही है सही है, बाकी ऑलमोस्ट सबका सही दिख रहा है मुझे, गुड गुड गुड। बर्ड, फिशेज और वॉल्फ किस लेवल पे आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे। चलो, द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज, जल्दी बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर 11 का? ये मैंने नहीं पढ़ाया आज, ये मैंने नहीं पढ़ाया है आज। चलो चलो चलो, फिर भी क्या बोलते हैं इसको, रिचा का करेक्ट आंसर है, वरुण का करेक्ट आंसर है, गुड गुड गुड, और कितने बच्चे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं? रिचा का करेक्ट है, वरुण का करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको अपन बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, जबकि इनऑर्गेनिक मैटर पूछे, इनऑर्गेनिक मैटर पूछे या न्यूट्रिएंट्स पूछे,
द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, तो वो स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पूछे तो स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन, ये एक चैलेंज क्वेश्चन है, देखता हूं ये कौन बनाता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? चलो बताओ, इसको पढ़ो और अब इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो फास्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट फॉल्स है? चलो 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 इसका आंसर दो, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो हेल्प आउट कर ही दूंगा, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग भी आंसर दो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? चलो चलो चलो, ऋचा प्रत्यक्षा, ऋचा और प्रत्यक्ष दो लोगों ने बस सही बताया। चलो ऋचा और प्रत्यक्ष और आभास दो लोगों ने, तीन लोगों ने सही बताया। आप सुनो, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ क्या फॉल्स था। फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी बाई इंक्रीजिंग द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ स्पीशीज, नहीं बाई डिक्रीजिंग, ये ओवर एक्सप्लोटेशन को कम कर देता है, तो ये हुआ फॉल्स। फूड वेब ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथवे टू द फूड अवेलेबिलिटी, जी हाँ ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है। एन इको सिस्टम कैन सपोर्ट 10 से 12 ट्रॉफिक लेवल, नहीं 4 से 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, यानी मोर देन वन ऑप्शन आर फॉल्स, दिस इज द आंसर। और ये न्यू ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, न्यू ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी रखना अपनी। राइट राइट, कितने लोगों को ये क्वेश्चन मजा आया, कितने लोगों को ये क्वेश्चन मजा आया करने में, कितने लोगों को ये क्वेश्चन कुछ न्यू लगा, जस्ट मैंने फ्रेम किया था, कितने लोगों को ये क्वेश्चन न्यू लगा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन करने में मजा आएगी? हाँ सर चलो बढ़िया लगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा ना। चलो एंड डू ट्राई टू रिमेंबर माई रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड है SBAIS। अगर आप, आज का स्ट्रीम थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा गया, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आया और आपको हेल्प आउट हुआ, क्वेश्चंस में मजा आया, तो डू हिट द लाइक बटन सो दैट आई विल कम टू नो। आई नो थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम गया था, राइट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम गया था, लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं थी, एकदम मजेदार थे। चलो तो SBAIS मेरा कोड याद रखना, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, और अगर आपने ले लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया आपके फ्रेंड्स लेना चाहते तो मेरा रेफरल कोड याद रखना SBAIS, एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ, ठीक है बच्चों? चलो चलो चलो, प्राइस हाइक अलर्ट, ये सबको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट्स या प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो इसके पहले कि वो बढ़ जाए, और अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का तो आप लोग अभी ले लीजिए, राइट? और एल्स इसका प्राइस हाइक होने वाला है। रेफरल कोड इज SBAIS, एंड सभी को टाटास, सभी को टाटास टाटास टाटास। नेक्स्ट क्लास क्लास 11th की है, अगली क्लास क्लास 11th की है, ये 12th की थी, एक दिन 11th एक दिन 12th, 11th एक दिन 12th, और डेली 4 बजे आता हूँ, डेली 4 बजे आता हूँ, डेली 4 बजे आता हूँ, नेक्स्ट क्लास 11th की। आज थोड़ा सा लैग परेशान कर गया, नहीं तो चलो बच्चों बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग, थैंक यू फॉर हैविंग द पेशेंस, क्योंकि बार बार आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, सॉरी फॉर दैट, वो मेरे हाथ में नहीं था, बट ठीक है। चलो बच्चों मजा आया, बाय टाटास, चलो चलो बाय टाटास, टाटा 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 करो, चलो सब लोग बाय करो बाय करो बाय करो, थैंक यू बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, चलो चलो चलो।